हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विरद आप लोगों का सिलेक्शन मैंट्री के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो ये मौलिक अधिकार जो है इस पर प्रश्न बन सकते हैं आज का टॉपिक जैसा कि आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकारों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वॉट आर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हैं क्या ये मौलिक अधिकार जो होते हैं ये क्या है सबसे पहले हम लोग डिस्कशन इस पर करेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स ठीक है तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या है इन पर हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है मौलिक अधिकार क्या हैं ठीक है थीके? फिर इसके बाद हम लोग इसमें शामिल इसमें देखेंगे कि आखिरकार मौलिक अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है तो क्या हमारे पास में अधिकार के लिए मौलिक अधिकार ही हैं या कुछ और प्रकार के अधिकार भी हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जैसे एक तो हमारे पास में मौलिक अधिकार होते हैं और दूसरे होते हैं विधिक अधिकार तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन के रूप में रखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार अधिकार क्या है तो इसका इसको जरा थोड़ा एनालिसिस करते हैं और इसके बारे में अगर हम समझें तो ये एक ऐसे प्रकार के राइट्स हैं ऐसे प्रकार के अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक को किसी भी व्यक्ति को ठीक है किसी भी व्यक्ति को और व्यक्ति को और साथ ही साथ किसी भी नागरिक को व्यक्ति को एवं नागरिक को क्या करता है एक गरिमामयी जीवन जो है गरिमा पूर्ण जीवन जो है मई जीवन जो है उसको जीने के लिए प्रेरित करता है या उसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है मसलन इसको बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं समझना चाहूँ देखिए मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पहले समझाना चाहता हूँ फिर टेक्निकल टर्म्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है ये ठीक है इसको और इसको दोनों को आपस में तुलना करी जाए ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बोलने का अधिकार जिसे कुछ भी बोलने का अधिकार है जो मर्जी है वो बोलने का अधिकार इसके पास है का अधिकार मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के पास है इस व्यक्ति के पास है लेकिन यह अधिकार इसके पास नहीं है तो अब दोनों की जीवन में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे कि अगर इसके प्रति कोई अत्याचार हो रहा होगा तो इसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है।, है लेकिन क्योंकि इसे बोलने का अधिकार नहीं है इसलिए अगर इसके प्रति कोई अत्याचार हो रहा होगा तो ये आवाज नहीं उठा सकता है ठीक है पहली बात ये हो गई दूसरी बात मान लेते हैं कि इसके पास में मान लेते हैं कि किसी धर्म की उपासना करता है सपोज दैट किसी रिलीजन को मानता है तो धर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको ये अधिकार दिया जाता है कि भाई तुम किसी भी धर्म को मान सकते हो एक्सेप्ट कर सकते हो इनके पास में क्या है इनके पास में मान लेते हैं कि एक तो या तो इन्हें धर्म की धर्म के बारे में अगर इनकी इनकी अगर हम चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि धर्म में ये किसी एक धर्म को बिलीव करते हैं लेकिन लोग इन्हें वो धर्म एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं या फिर हो सकता है किसी एक धर्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया हो और ये चाहते हैं कि अपना रिलीजन चेंज करके दूसरा रिलीजन अपना लें तो ऐसा करने से इन्हें रोका जा रहा हो या रोकने का आ, कोई आ, भरसक प्रयास कर रहा हो जबरन प्रयास कर रहा हो तो ये इसकी और इसकी लाइफ में अंतर क्या है इसकी और इसकी लाइफ में अंतर यह है कि स्वतंत्र पूर्वक अपने निर्णय जो है वो स्वयं ले सकता है जो मानव को एक निर्णय लेने की जो क्षमता है और जो उसकी स्वतंत्रता है वो इसे मिल रही है और इस व्यक्ति को ऐसा कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है ऐसे में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूं कि बताइए जैसे आप लोगों के घर में पशु पले होंगे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई गाय पली हुई है या आपने घर में कोई दूसरे जानवर पाल रखे हैं भैंस पाल रखी है या फिर कुत्ते बिल्ली भी लोग पालते हैं कुत्ता जो है पाल रखा है या फिर बिल्ली पाल रखी है कुछ भी है तो ये जो जीव हैं ये जो जीव हैं क्या आप इनसे पूछ करके घर में खाना बनाते हैं क्या आप इनके स्वाद का खाना बनाते हैं क्या आपको मालूम है कि इन्हें कौन कौन से भोजन पसंद है तो क्या उसी के अकॉर्डिंग इनका भोजन बना करके आप इन्हें देते हैं या फिर या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें भोजन देते हैं कि भाई भूखा जरूर होगा इतना जरूर आपको पता चलता है कि भूखा है तो इसे कुछ खाने को दे दो और जो आपको समझ में आता है आप वो खाने के लिए इनको देते हैं ज्यादातर तो यही होता है लेकिन मानव क्या होता है मानव मानव क्या करता है मानव क्या करता है कि जब उसे जो खाने की इच्छा होती तब वो स्वयं उसको बनाता है या बनवाता है और अपनी इच्छा के अनुसार खाने का प्रयास करता है लेकिन इन दो मानवों में इसी प्रकार का एक और डिफरेंस यदि अगर देखा जाए कि ये एक ऐसा मानव है आज इसे खीर खाने का मन है तो ये आज खीर खाएगा आज इसे पकौड़ी खाने का मन है तो आज ये पकौड़ी खाएगा आज इसे पूड़ी खाने का मन है तो आज ये पूड़ी खाएगा लेकिन इसको रोज रोज दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दी जा रही है कभी इसका भी खीर खाने का मन है लेकिन इसे दाल रोटी दी जा रही है इसका आज पकौड़ी खाने का मन है पल दाल रोटी मिल रही है इसका आज पूड़ी खाने का मन है पल दाल रोटी मिल रही है तो अगर इसको बार बार जो है दाल रोटी मिल रही है तो इसका मतलब ये अपनी इच्छा से खा भी नहीं सकता तो जो ना अपनी इच्छा से बोल सकता हो जो ना अपनी इच्छा से धर्म में परिवर्तित कर सकता हो जो ना अपनी इच्छा से खा सकता हो ना जो अपनी इच्छा से सो सकता हो ना जो अपनी इच्छा से इधर उधर घूम फिर सकता हो आप ये अपनी इच्छा से इधर उधर घूम सकते हैं कि आज इनको मार्केट जाने का मन कर रहा है गाय है एक आपके घर में पली उसका मन है कि आज वो आज़ाद होकर के जाए बाहर अपने मित्रों से मिले नहीं जा सकती है आपके घर में पला हुआ जो कुत्ता है आप उसे स्वयं टहलाने ले जाते हैं और वो भी रस्सी में बांध करके तो आप देखिए जीवन तो ये भी जी रहे हैं जीवन ये भी जी रहे हैं और जीवन ये भी जी रहे हैं तो इनमें और इनमें समानता आपको दिखने लगेगी मानव होने के बावजूद भी इनमें और इनमें समानता दिखने लगेगी कब यदि अगर इन्हें मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान ना किए जाए तो एक सिंपल सा यहां पर आंसर आपको मिल रहा है वे अधिकार वे अधिकार जिनके प्राप्त ना होने पर प्राप्त ना होने पर ध्यान रखेंगे वे अधिकार जिनके प्राप्त ना होने पर मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता मनुष्य नहीं रह पाता रह पाता परंतु उसका जीवन उसका जीवन कैसा हो जाता है उसका जीवन पशु समान हो जाता है पशु समान और आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया पशु समान हो जाता है तो क्लियर है ये बात यहां पर कि मौलिक अधिकार क्या हैं, इनको और अच्छे शब्दों में अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं माने ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पूर्ण जीवन को जीने के लिए यानी कि व्यापक टर्म लिख सकते हैं व्यक्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए पूर्ण विकास के लिए पूर्ण विकास के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के, के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं आवश्यक होते हैं ठीक है तो इनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं संविधान में इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है आपको मालूम ही है कॉन्स्टिट्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट इनका जो है रोल है सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करी गई है ठीक है और इनके कुछ लक्षण भी हैं आप जरा इसको भी ध्यान देंगे अगर हम संविधान के मौलिक अधिकारों की लक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि आ, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्वपूर्ण तो जीवन को जीने के लिए अः उसको अधिकार देते हैं इसीलिए इनको मौलिक अधिकार मौलिक का मतलब ये मूल मूल का मतलब है जड़ जड़ का मतलब है जीवन जहां से सर्जित होता है अगर आप किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लेंगे तो उसके जीवन का सृजन जो है वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा उसका उत्सर्जन जो है वो समाप्त हो जाएगा वो उसका मानव जीवन समाप्त हो जाएगा ठीक है सिंपल सी बात है और इसी वजह से क्योंकि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है इसी वजह से मौलिक अधिकार जो है वो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो न्यायालयों द्वारा संरक्षित किए जाते हैं न्यायालयों द्वारा संरक्षित करने का मतलब क्या है मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं ठीक है ज्यादातर जो मौलिक अधिकार हैं वो समान हैं, समान वितरण है इनका वितरण जो है उनका कैसा है समान वितरण है कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं कुछ अपवाद हैं अपवादों को छोड़कर है ना अपवादों को छोड़कर अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो हमारे पास में मौलिक अधिकार है वो समान रूप से वितरित हैं क्लियर है हाँ या नहीं और अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को हमने कहाँ से कहाँ से प्राप्त किया है इसका जो हमारे मन में क्रिएटिविटी आई है या हमारे मन में हमारे भारतीय संविधान में जो इसको स्रोत अगर पूछा जाए इसका तो आप क्या बताएंगे यूएसए बता सकते हैं यूएसए में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स हैं क्या है बिल ऑफ राइट्स तो बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकार पत्र जो है यूएसए में उनको हम लोग जो है उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है कि हमारे संविधान में भी ये क्या होना चाहिए मौलिक अधिकार होना चाहिए अब बात आती है अगले टर्म की ओर मौलिक अधिकार क्या है ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से शायद एक्सप्लेन कर दिया है किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ठीक है तो अगला प्रश्न यहां पर यह है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल क्यों किया गया है अगर हम बात करते हैं क्या मौलिक अधिकार संविधान में शामिल है तो हमें आंसर मिलता है कि हाँ भाई मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में शामिल है तो प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार संविधान में क्यों शामिल है संविधान में क्यों शामिल है क्यों शामिल हैं तो इस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए तो इस पर हमें पता चलता है सबसे पहला बात तो ये है कि हम इसको इसलिए शामिल करते हैं मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में कि एक स्वतंत्र समाज जो है उसके लिए अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का, का मूल्य और उसका संरक्षण करना जरूरी है इसलिए संरक्षण जो है वो कौन प्रदान करेगा संविधान प्रदान करेगा इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम लोग लोकतंत्र में लह, लह, रहते हैं लोकतंत्र में और ये लोकतंत्र जो है वो गणराज्य के रूप में है गणराज्य के रूप में तो इसीलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा हमारा जो गणराज्य है वो कैसा है लोकतंत्रात्मक है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो जनता है यहाँ की जो जनता है उसने राज्यों को राज्य का मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं उनको उनने राज्यों को स्वयं के ऊपर शासन करने का अधिकार दिया है दिया है कि नहीं दिया है यानी हम हमारे में से ही किसी को चुनते हैं कि वो हम पर जो है शासन करे लेकिन ऐसे में राज्य निरंकुश हो सकते हैं कि जिनको हमने पावर दी है हो सकता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमें ही राज्य से बाहर कर दे तो ऐसे में मौलिक अधिकार जो है वो काम आते हैं और मौलिक अधिकारों को राज्यों के लिए आदेश पूर्वक रखा गया है और निगेटिव इम्पैक्ट के रूप में रखा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी जनता के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा तो राज्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण ना कर लें, इसलिए मौलिक अधिकारों को कानून के रूप के संविधान के रूप के में अंदर रखा गया आपको मालूम है कल को मान लेते हैं कोई विधायिका है कल को मान लेते हैं कोई विधायिका है और उसमें कोई प्रचंड बहुमत से जीत जाता है प्रचंड बहुमत से तो ऐसे में इसको जिताया किसने है जनता ने जिताया है लेकिन अब ये राज किस पे करेगा इस बहुमत को लेकर के जनता पर करेगा ऐसे में ये जो विधायिका है कहीं ऐसा ना हो कि इस मौलिक अधिकार को ही संशोधित कर दे और मौलिक अधिकार में संशोधन इस प्रकार से कर दे कि भाई वो उसे हटा भी सकता है तो जब ऐसा करने लगेगा तो संविधान ऐसा करने से राज्य को रोकेगा और सरकार इसका अतिक्रमण नहीं कर सकती है ये गारंटी भी आपको मौलिक अधिकार संविधान के रूप में देता है संविधान जो है मौलिक अधिकार के रूप में देता है ठीक है तो इसलिए भी इसको शामिल किया गया है मौलिक अधिकारों को संविधान में क्लियर हो रही होगी शायद मेरी बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा इसके अलावा अगर देखा जाए तो आ, संसद संविधान जो है वो जो ये मौलिक अधिकार हैं इसको समाविष्ट बनाने के लिए एक विधि शासित सरकार की स्थापना भी करते हैं और वो विधि शासित सरकार कुछ इस तरीके की होती है जो डीपीएसपी का पालन करते हैं आगे डीपीएसपी का चैप्टर कर पढ़ेंगे हम लोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है राज्य के द्वारा नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनका पालन करते हुए ये काम किया जाता है इसके अलावा अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार इसलिए भी संविधान में शामिल हैं कि मौलिक अधिकारों से ही नागरिकों को समानता प्राप्त होती है न्याय प्राप्त होता है निष्पक्षता मिलती है है ना तमाम प्रकार की चीजें हम लोगों को इसी से प्राप्त होती हैं मौलिक अधिकारों से ही कमजोर वर्ग को सुरक्षा मिलती है कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या मिलती है सुरक्षा मिलती है इसके अलावा तमाम प्रकार के सामाजिक विशेषाधिकार मिलते हैं विशेषाधिकार विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार भी मिलते हैं ये सब मौलिक अधिकारों के कारण ही हो पाता है तो इसलिए मौलिक अधिकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये आपको समझना चाहिए इसके अलावा अगर हम और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कशन करें क्या संविधान ने हमें अधिकार के तौर पर मौलिक अधिकार ही दिए हैं या फिर कुछ और अधिकार भी हमारे पास प्राप्त हैं तो इसमें आंसर मिलता है एक तो अधिकारों के तौर पर हमारे पास में मौलिक अधिकार है और एक तो मौलिक अधिकारों की तरह ही एक हमारे पास में विधिक अधिकार है विधिक विधिक अधिकार अब क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों में कोई अंतर है अगर सेम होते तो स्वाभाविक सी बात है कि एक साथ लिखे जाते परंतु अंतर है तभी उसमें जो है उसको अलग अलग रखा जाता है जैसे संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है परंतु वह एक विधिक अधिक अधिकार है तो क्या होते हैं ये विधिक अधिकार और क्या होते हैं मौलिक अधिकार इसको समझ लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में तो मैंने बताया कि ये वो अधिकार हैं जिनके बगैर आप जीवन नहीं जी सकते अगर जी रहे हैं तो पशु समान ही जीवन होगा मनुष्य समान तो जीवन नहीं होगा विधिक अधिकार वो अधिकार हैं जो आपके इस मानव जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए आपकी सहायता करने के लिए प्रदान किए जाते हैं और इनका विधि के द्वारा अतिक्रमण भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर मौलिक अधिकारों का नहीं किया जा सकता मसलन मैं आपको अगर बताऊं तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि मौलिक अधिकार की जो पावर है मौलिक अधिकार जो है इनकी शक्ति का जो स्रोत है इनकी शक्ति का स्रोत इनकी शक्ति का स्रोत कौन है इनकी शक्ति का स्रोत स्वयं संविधान है इसको पावर जो है वो संविधान से मिलती है सीधा जबकि इनकी जो शक्ति का स्रोत है इनकी अगर पावर का स्रोत अगर देखा जाए इनको पावर कहां से मिलती है तो इनके लिए तमाम सारे एक्ट बनाए जाते हैं उन एक्ट से उन अधिकारों को नियम मिलते हैं अधिकार मिलते हैं वो एक्ट समाप्त कर दिया जाए तो वो जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी मौलिक अधिकारों की पावर को समाप्त करने के लिए संविधान को समाप्त करना होगा और संविधान तो समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है ये कभी समाप्त नहीं करी जा सकती इसका मतलब मौलिक अधिकार भी आपसे कभी समाप्त नहीं किए जा सकते एक तो डिफरेंस आपको ये दिखा दूसरा है कि मौलिक अधिकार जो हैं, वो एक प्रकार से अहरणीय है अहरणीय का मतलब क्या होता है कि आप ना तो इसको कम कर सकते हैं और ना ही इसे समाप्त कर सकते हैं ठीक है तो आप कम भी नहीं कर सकते हैं और समाप्त भी नहीं कर सकते हैं लेकिन विधिक अधिकार जो होते हैं ये हरणीय है हरणीय का मतलब इन्हें हरण किया जा सकता है इन्हें छीना जा सकता है ये हरणीय है यानी कि इन्हें आप कम भी कर सकते हैं और इनको समाप्त भी विधि अनुसार किया जा सकता है समझ में आया कि नहीं आया आप इसमें कम कर सकते हैं अल्पीकरण कर सकते हैं जिसको कह सकते हैं एक तो ये डिफरेंस आपको इसमें समझ में आया इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये आधारभूत संरचना को डिफाइन करते हैं किसको डिफाइन करते हैं आधारभूत संरचना को ठीक है ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का कहीं ना कहीं काम करते हैं नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली जरूर करते हैं और आपको मैंने बताया कि इनके बिना इनके बिना इनके बिना, बिना यानी मौलिक अधिकारों के बिना मनुष्य का मनुष्य का सर्वांगीण विकास सर्वांगीण विकास संभव नहीं है विकास संभव नहीं है इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसको जो है आ, पूरी तरीके से हर तरफ से अगर चाहते हैं कि मानव जीवन का विकास हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ती है जबकि ये जो है आपको सार्वजनिक जीवन जीने का अधिकार देते हैं सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक जीवन जीने का अधिकार देने का मतलब कि आप एक सामाजिक रूप से व्यवस्थित रूप से आप जी सकें ठीक है आप जैसे कहा जाता है ना जिसको कि रोटी कपड़ा मकान जब आपके पास पूरा हो जाता है तो रोटी कपड़ा मकान ये हैं तो क्या हम केवल जीवन में रोटी कपड़ा और मकान ही इकट्ठा करते हैं कुछ और नहीं तो पहले रोटी कपड़ा और मकान ये है और इसके बाद एक्स्ट्रा एसेंशियल्स जो हैं वो ये है तो इसको हम लोग विधिक अधिकार के रूप में रखते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक डिफरेंस आपको और देखने को मिलेगा कि आर्टिकल नंबर थर्टी टू है एक जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इसके अगेंस्ट में आप न्यायालय जा सकते हैं न्यायालय जाने का अधिकार एट द वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और यहां पर अगर हम डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है कि इन अधिकारों का संरक्षण जो है तो इसका मतलब न्यायालय जाने का अधिकार ये संविधान से मिल रहा है आपको किससे मिल रहा है संविधान से इस प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन आपको संविधान से यहां पर नहीं मिलता संविधान द्वारा यह प्रोटेक्टेड नहीं है इसका प्रोटेक्शन जो है वो लॉ या एक्ट्स के द्वारा किया जाता है ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में देखने को मिलते हैं अच्छी तरीके से अब बात कर लिया जाए तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अगर शामिल हैं तो कहां शामिल हैं और किस किस प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो शामिल किए गए हैं तो इस पर भी जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं इस दौरान मैं आप सभी लोगों से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस सेशन को आप सभी लोग प्लीज सभी लोग लाइक जरूर करें एक मिनट का समय लीजिए और तुरंत अभी पहले लाइक करिए फिर आगे का वीडियो देखिए और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो आप इसे अपने फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप इन सब जगहों पर शेयर जरूर करें ठीक है अगर आप एक व्यक्ति एक बार एक दिन में शेयर करेगा तो भी काफी सारे लोग आपके माध्यम से हमें जान पाएंगे ठीक है तो इसलिए मैं आपसे इतना से निवेदन करता हूं कि आप इस काम को जरूर करें अगला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं अगला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो ये है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां है संविधान में संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कहां, है? कहां समाहित है तो अब अगर आप देखोगे कि कहां रखे गए हैं तो आपको इसका आंसर यहां पर मिलेगा कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में किस जगह पर रखे गए हैं सबसे पहली बात तो ये भाग तीन में रखे गए हैं कहां रखे गए हैं भाग तीन पार्ट थ्री में पार्ट थ्री में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ये आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं ठीक है और इसमें कई बार संशोधन भी करने को मिला है जैसे आप देखोगे फोर्टी अमेंडमेंट था 44वां संविधान संशोधन था जिसमें आपको कह सकते हैं कि आ, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया संपत्ति का संपत्ति का अधिकार संपत्ति का जो अधिकार है इसे क्या कर दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाला गया विधिक अधिकारों की श्रेणी में तो मैंने आपको अभी अभी अंतर बताया कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार क्या होते हैं तो ये विधिक अधिकार में डाल दिया गया ये संशोधन जब तक नहीं हुआ था तब तक भाग तीन में बारह से पैंतीस तक छे माफ कीजिएगा सात प्रकार के सात प्रकार के अधिकार थे सात प्रकार के अधिकार थे इससे पहले लेकिन चौवालीसवें संविधान संशोधन के बाद अब केवल अब केवल प्रकार के मौलिक अधिकार रह गए छह प्रकार के और प्रकार के मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि छह अधिकार हैं हमारे पास में छह प्रकार के मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या जो है और भी ज्यादा है करीब अट्ठारह मौलिक अधिकार हमारे पास में टोटल हैं वर्तमान समय है। में तो जो छह मौलिक अधिकार वर्तमान समय में है वो कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो एक तो आपको मिलता है समता का अधिकार सबसे पहला समता का अधिकार इसको आप समानता का अधिकार भी कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी है जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक मिलती है ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद दूसरा फंडामेंटल राइट right जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह आपको जस्ट नाइनटीन से शुरू होकर के ट्वेंटी सेकेंड नंबर तक देखने को मिलता है राइट टू फ्रीडम जिसको बोलते हैं थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है हमारे पास में फंडामेंटल uh, राइट right जो है सॉरी यह है uh, शोषण के विरुद्ध अधिकार ठीक है कौन सा है शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के, के विरुद्ध अधिकारों को अगर हम देखें तो ये है हमारा राइट टू एक्सप्लोटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है सॉरी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है इसके अलावा छठवें नंबर पर अगर हम देखें तो एक मौलिक अधिकार हमें मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप इसे कह सकते हैं जो कि नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव से लेकर के ट्वेंटी एट तक आपसे मुलाकात करेगा सेवेंथ माफ मा, मा कीजिएगा ये फोर्थ है ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है ये फिफ्थ है फिफ्थ फंडामेंटल राइट जो है ये संस्कृति संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देता है कैसा अधिकार देता है शिक्षा संबंधी अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमें कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं ये आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल नंबर थर्टी में मिलते हैं दो जगहों पर एंड लास्ट में राइट जो है हमारे पास में वो है संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार उपचारों का अधिकार और ये हमको मिलेगा आर्टिकल नंबर थर्टी टू में कहा मिलेगा आर्टिकल नंबर पैंतीस में तो इस प्रकार से हमारे पास में छह प्रकार के मौलिक अधिकार अब रह गए हैं जो कि पहले सात प्रकार के हुआ करते थे जिनमें से सातवां प्रकार जो था वो आपका संपत्ति का अधिकार था जिसको अब क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है ठीक है इसको अब हम हमारे संविधान से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है क्लियर है तो इन पर थोड़ी और चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन जरा समता का अधिकार में क्या क्या, क्या चीज़ें आती हैं स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या आता है धार्मिक स्वतंत्रता में क्या आता है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार में, में क्या आता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या आता है चलिए जरा इन पर भी थोड़ा सा डिस्कशन वन बाई वन कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर फोर्टीन की अगर हम बात करें या हम यूँ कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल नंबर ट्वेल्व से शुरू होते हैं थर्टीन और जबकि मैंने आपको जब यहाँ पर अभी दिखाया तो आप देख सकते हैं यहां पर आसानी से कि समता का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर ये यह 14 से शुरू होता दिख रहा है जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 12 से शुरू हो रहे हैं आपको मालूम है कि 12 से शुरू हो रहे हैं तो बारह और तेरह में अलग अलग तरीके की चीजें दी हैं जैसे आर्टिकल नंबर ट्वेल्व जो है वो डेफिनेशन के अंतर्गत रखा जाता है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और आर्टिकल 30 में राज्य शब्द जो है और विधि शब्द जो है इसका विधिवत उल्लेख करते हुए बताया गया है कि राज्य और विधि शब्द क्या है ठीक है क्लियर आर्टिकल ट्वेल्व थर्टीन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो हमें पता चलता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास में जैसे राज्य विधि द्वारा राज्य क्या है विधि क्या है इन सबको जब हम लोग यहां पर देखते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि आखिर आर्टिकल नंबर 14 में क्या है आर्टिकल 15 में क्या है आर्टिकल 16 में क्या है आर्टिकल 17 में क्या है और आर्टिकल 18 में क्या है जब इस ग्रुप को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये समानता का अधिकार है ठीक है लेकिन इसका मतलब 14 में अलग प्रकार की समानता है 15 में अलग प्रकार की सत्रह सोलह में अलग सत्रह में अलग और अठारह में अलग प्रकार की समानता का अधिकार दिया है जैसे अगर हम विधि के समक्ष समानता का अधिकार बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता हमें मिलती है आर्टिकल नंबर फोर्टीन से लेकिन विधि का समान संरक्षण का मतलब यहाँ पर यह है कि आ, कानून जो है वो किसी को भी दो आंख करते हुए न्याय नहीं देगा कि आप उच्च वर्ग से आए हैं आप निम्न वर्ग से आए हैं तो आपको हम सजा दे देंगे उच्च वर्ग से आए हैं तो आपको हम वार्निंग दे करके छोड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं मतलब कानून सभी के लिए बराबर है उसके बावजूद भी कुछ जगहों पर ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है जैसे हम बात कर लें आर्टिकल आर्टिकल 361 361 की तो आर्टिकल 361 के अनुसार मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर बैठा है कोई व्यक्ति जो राज्यपाल पद पर बैठा है है ना अब ये विशिष्ट लोग हो गए ये राष्ट्रपति और राज्यपाल विशिष्ट हो गए राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है और राज्यपाल राज्यध्यक्ष है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्य पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे ऐसा जो है आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर बैठा है तो न्यायालय में उसके खिलाफ जो है किसी भी प्रकार से कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता इनके खिलाफ अभियोग जो है वो सदनों में चलाए जाते हैं और जब वो वहां से मुक्त होंगे तब उनके खिलाफ जो है वो न्यायालय में अभियोग चलाया जाएगा इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करी जाएगी ये भी प्रोविजन आर्ट आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन में मिलता है तो इस प्रकार के विशेषाधिकार जो है वो आपको मिलते हैं विधि अन्य लोगों के लिए तो समान है सामान्य लोगों के लिए सामान्य रूप से सबके लिए बराबर है जाति वर्ग वर्ण धर्म स्टेटस के आधार पर किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा परंतु अगर आप इस पद पर हैं तो इसका भी मान सम्मान है और इसका ध्यान रखते हुए आपको आ, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि 361 किस प्रकार के विशेष उपबंध करता है इनफैक्ट आप इनको इनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं ठीक है इनको कारावास या मैंने बताया ना किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है ठीक है क्लियर है इतनी बात हाँ या नहीं तो ये जो राजदूत वगैरह जो होते हैं जैसे एम्बेसडर वगैरह हैं या कोई भी इस तरीके से पॉलिटिकल कूटनीतिक कोई व्यक्ति वगैरह है इन पर जो है फौजदारी वगैरह के मुकदमे नहीं होते हैं कभी भी ये भी आपको ध्यान रखना है है ना तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कुछ ये तो एक पॉइंट आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो ये कुछ आधारों पर मनाही करता है कुछ विशेष चीजों की मनाही करता है किन चीजों की मनाही करता है ये मनाही करता है डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव की भेदभाव की मनाही करता है और भेदभाव की मनाही किस रूप में करता है ना तो कोई भेदभाव जाति आधार पर होगा ना तो कोई भेदभाव धर्म आधार पर होगा ना तो कोई भेदभाव लिंग आधार पर होगा ना तो कोई भेदभाव जन्म स्थान आधार पर होगा और ना ही कोई भेदभाव मूलवंश आधार पर होगा मूलवंश। तो इन आधारों पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा आर्टिकल नंबर 15 कहता है ध्यान रखेंगे ऐसा आर्टिकल नंबर कहता है अगर हम आर्टिकल फिफ्टीन पॉइंट टू की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को ऊपर जितनी भी चीजें ये जो लिखी हुई हैं जाति धर्म लिंग जन्म स्थान और मूल वंश इनके आधार पर कहीं पर किसी शॉप में या किसी भी होटल वगैरह में या किसी कुएं में किसी तालाब में किसी सार्वजनिक मनोरंजक वाले जो स्थल हैं वहां पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर सड़क वगैरह जैसे है ना इन पर जाने से नहीं रोका जाएगा जबकि पहले रोका जाता था कि भाई तुम फला धर्म के हो यहाँ से नहीं जाओगे तुम फला जाति के हो यहाँ से नहीं जाओगे ये सब करने से मनाही करी गई है ये किसी भी दुकान में जा सकते हैं किसी भी सड़क पर आ जा सकता है कोई भी किसी भी होटल में ठहर सकता है किसी भी कुएं से पानी पी सकता है किसी भी तालाब का पानी ले सकता है किसी भी सड़क पर चल सकता है कोई किसी का मार्ग नहीं है इस प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे ठीक है क्लियर हो रही इतनी बात हाँ या नहीं अब यही इसी आर्टिकल में महिलाओं के लिए महिलाओं एवं बच्चों के लिए एवं बच्चों के लिए बच्चों हेतु बच्चों हेतु महिलाओं एवं बच्चों हेतु आरक्षण की भी बात करी गई है जैसा आरक्षण की भी बात करी गई जैसा राज्य जो है वो उपयुक्त तो समझेंगे वैसा करेंगे मुफ्त शिक्षा का प्रावधान बच्चों को देने के लिए भी कहा गया है तो इसको करना जरूरी है क्यों क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जो आजादी से पहले काफी ज्यादा पीड़ित वर्ग था जिसे प्रताड़ित किया जाता था चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला रही हो ठीक है तो इसको यहाँ से उसके जीवन जीने का अधिकार उसको वापस दिया जाता है ठीक है और तमाम प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं आर्टिकल नंबर 15 को लागू कराने के लिए तमाम प्रकार के कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं आपको तमाम प्रकार के एक्ट भी बनाए गए हैं जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एक एक्ट आपको यहां पर आर्टिकल फिफ्टीन के लिए मिलेगा नागरिक नागरिक ध्यान रखेंगे नागरिक अधिकार नागरिक अधिकार संरक्षण संरक्षण अधिनियम 1955 में ये नियम बना था किसी भी नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जबकि ये दे रहा है परंतु उसके लिए कानून बनाया गया विधिक कानून इसके अलावा एस सी एक्ट बनाया गया है एस सी एक्ट ठीक है एस सी एक्ट इस पर कई बार अमेंडमेंट भी हो चुके हैं जो 1989 का जो एक्ट है इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंदू उत्तराधिकार नियम हिंदू उत्तराधिकार उत्तराधिकार नियम 1989 माफ कीजिएगा 1956 ठीक है हिंदू उत्तराधिकार नियम है इसी प्रकार से किसी भी कार्यस्थल पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं यहां पर और ये सबके दिमाग में अच्छी तरह से बस जाना चाहिए कि महिलाओं की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है तो यहां पर एक नियम बनाया गया है किसी भी कार्यस्थल किसी भी कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम ठीक है अधिनियम बनाया गया है और ये अधिनियम जो है 2013 का है तो पूरी तरीके से वुमेन प्रोटेक्शन के लिए यह एक्ट बनाया गया और ये बहुत ही कड़ा अधिनियम है जिसका पालन कड़ाई से किया जाना अनिवार्य है हर व्यक्ति विशेष वर्ग को यह ध्यान रखना चाहिए ठीक है तमाम सारे अधिकार अधिनियम जो है वो आर्टिकल फिफ्टीन के सपोर्ट में बनाए गए हैं तो ये भी आपको पॉइंट जो है वो अच्छे अच्छे से ध्यान रखने चाहिए ठीक है चलिए तो अगला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आर्टिकल नंबर सिक्सटीन है आर्टिकल नंबर सिक्सटीन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है ये अवसर की समानता देता है अवसर और अवसर किस में लोक नियोजन में लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है लोक नियोजन में अवसर की समानता के साथ साथ अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 जो है अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत करता है छुआछूत का अंत करता है ऊंच नीच की भावना का अंत करता है किसी भी प्रकार से अनटचेबिलिटी को प्रमोट करना एक कानूनी अपराध बताता है जो कि बहुत ही उचित है और अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो ये किसी भी प्रकार के जो राजकीय पद हैं या किसी भी प्रकार का जो उपाधि है उपाधि उस उपाधि का क्या करता है ये अंत करता है समापन करता है तो आर्टिकल 18 जो है उपाधि की समानता है उपाधि समाप्त करके सभी लोगों को बराबर समानता देता है अस्पृश्यता को खत्म करके समानता देता है लोक नियोजन में सभी को समान अवसर देता है इन आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके समानता देता है और विधि के समक्ष समानता देता है कुछ कुछ अपवाद सभी जगहों पर हैं, उनको छोड़ करके इस प्रकार से ये पूरा ग्रुप जो है वो किसका है ये पूरा ग्रुप जो है वो समानता के अधिकार का है तो आशा करते हैं कि आपको ये जो क्लास है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा आगे हम जो है इसी प्रकार से अन्य चीज़ों पर भी जो अन्य आर्टिकल्स रह गए हैं इसके उस पर भी डिस्कशन करेंगे उसके भी पॉइंट्स भी आपको देंगे और फिर साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों की भी बात हम अगली चर्चा में अगली क्लास में करेंगे तो आज के लिए इतना ही प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ पर हैं मौजूद वो सभी लोग इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरा आपसे इस प्रकार का अनुरोध है आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्कार जय हिंद